हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी को फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का कोई ब्लॉग नहीं है और अभी रात का 11:30 बज रहा है। तो हम लोग खाना पीना खा लिए हैं और हस्बैंड जी भी अभी तुरंत तुरंत आए हैं। आज काफ़ी लेट हो गया था उनको आने में, थोड़ा सा कुछ होगा, मतलब वहाँ कुछ जहाँ काम करते थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी फ़िलहाल। अभी कुछ समय से बहुत ज़्यादा उनको वहाँ मतलब दिक्कतें हो रहा है, क्योंकि वही जाने, हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं, घर में जो काम रहता है वही सब जानते हैं। और क्या हुआ है कि आज जैसे कि थोड़ा माथा भी, मतलब सुबह से मतलब मेरा दर्द दे रहा था, मतलब कहीं कहीं से बात पता नहीं क्या क्या कहाँ से मालूम चल जाता है कि कौन कैसा क्या कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता हम लोग का ब्लॉग चैनल से किसको क्या मतलब लेना देना पड़ा है, और सबके बारे में नहीं है, मतलब हमें वैसे 100% में से मतलब 20% लोग हैं जो नेगेटिव बोलते हैं हम लोग के बारे में। पहला बात कि हम लोग लव मैरिज शादी करे हैं और खुश रहना शायद उन लोग को जम नहीं रहा है, मतलब हजम नहीं हो रहा है। देखिए, बोला नहीं जाता इस तरह, पर क्या करें, मजबूर कर दे रहे हैं कुछ लोग बोल बोल कर रहे हैं। कहीं से मालूम चलता है तो अच्छा नहीं लगता है, और हम लोग के पास तो हिम्मत नहीं है कि आकर के फ़ोन करके या तो फिर कैसे करके बोले, उतना उन लोग का हिम्मत ही नहीं है। तो खैर, हम तो यही कहते हैं कि अपना काम से मतलब रखिए और हम लोग अपना काम करने दीजिए। देखिए, हम लोग का कुछ भी प्रॉब्लम होगा कोई तो आएगा नहीं देखने के लिए, और आ भी नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है कि हाँ हाल जानने के लिए कौन कैसा है कैसी है। मेरा 2 बच्चे हैं, कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक कोई फ़ोन किसी का नहीं आता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बात के लिए उठ जाता है कि ऐसे कर रहा वैसे कर रहा। देखिए, अपने बारे में मेरे बारे में बोले तो बर्दाश्त हो जाता है, पर हस्बैंड के बारे में मतलब वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं, वो भी कितना आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर से ब्लॉग हम ही करते हैं, ज़्यादातर मेरे मतलब जितना भी ब्लॉग रहता है मेरा ही चेहरा आप लोग को बार बार नज़र आता है। कभी कभार होता है हस्बैंड जी मेरा ब्लॉग में आ जाते हैं और मेरा कहने पे आते हैं, और पहला बात क्या होता है, वो मेरा खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती उनको खींच खाँच के लाते, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि अचानक हम ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, हमको लगता है कि ये 2-3-4 साल से हम मतलब सोच रहे थे कि करेंगे। उस टाइम मेरे हस्बैंड सही बात माने तो वो तैयार नहीं थे उस टाइम, सच्ची बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि उतना उनको मतलब कोई आइडिया नहीं था कि ब्लॉगिंग में होता क्या है, कैसा है क्या नहीं। कोई रील्स भी हम नहीं बनाते थे, क्योंकि ये मेरा सेफ्टी का ध्यान ज़्यादा रखते थे, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा ध्यान था इनमें, और हम भी इन फोर्स कभी नहीं किए हैं। रियल में कभी होगा तो उनसे हम बात करवा देंगे आपको, कभी फोर्स नहीं किए हैं। यदि ये नहीं बोले तो हम भी नहीं ज़िद्दी किए हैं हर एक चीज़ में, नहीं तो उसी चीज़ के लिए और इतना मतलब हम कर रहे हैं, तो बस अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं कि कुछ इनकम हो और अच्छे से पढ़ाई लिखा अपना बच्चा को और आगे बढ़ाएं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे यूट्यूब में आदि जो जो ब्लॉगिंग करते होंगे तो जानते ही होंगे कि कैसे कैसे आदमी लोग को सामना करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, हमको उसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर यही बोलेंगे कि आप लोग प्लीज़ ऐसा फालतू मत बोलें और अपना घर में रहें भाई, बढ़िया से रहें, हम यही चाहेंगे। जो मेरे बारे में ख़राब बोलता है उनके बारे में हम तो ख़राब बोलेंगे नहीं, और कभी शुरू से हम नहीं किसी के बारे में बोले हैं, नहीं हम बोलेंगे, बस यही है। मगर यही थोड़ा थोड़ा दुख होता है, हस्बैंड जी के बारे में कोई बोल दे तो थोड़ा दुख होता है, ये काम काज बैठ कर मतलब काम काज छोड़ करके ब्लॉगिंग करना स्टार्ट किए हैं। अब ज़्यादा होगा तो हम इनको अब लाएंगे ही नहीं वीडियो में, और यही कर सकते हैं, अभी आ जाते हैं, थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, हम लोग अपना फैमिली को दिखाते हैं तो सबको खटक रहा है तो क्या करें। लेकिन बहुत लोग मेरी फ्रेंड लोग हैं जो बात होते रहता है, वो लोग बोलती हैं, वो लोग हमको सपोर्ट करती हैं, यही चीज़ हमको अच्छा लगता है। बोलती है अपना काम से काम मतलब रखो सविता, कोई भी आएगा नहीं तुमको देखने के लिए, तुमको जो खुशी हो रहा है बस वही करो और किसी पर ध्यान मत दो, बस वो लोग अच्छा सपोर्ट करती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बस वही कहना चाहेंगे। तो आप लोग क्या राय देते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ लोग हैं मेरे YouTube फैमिली में जो शायद फैमिली से बढ़ के हैं, अच्छा कमेंट करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो ठीक है, हम ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, ब्लॉग ही वीडियो आने वाला है और हमेशा आएगा। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा तो आगे हम बहुत जल्दी बढ़ेंगे आगे, और सिर्फ आप लोग की वजह से होगा सब चीज़। तो ठीक है, गुड नाइट, अच्छा वाला ज़रूर ख्याल रखिएगा आप लोग, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा।